वो वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखा है, तो आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर जरूर विजिट कर सकते हैं, और हम और मैं आई बटन पे भी दे दूंगा इसका जो वीडियो का लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा इसका लिंक, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं जो इसका ड्रोन का क्वालिटी और रिव्यू वगैरह। मेरे ख्याल से गाइस ये ड्रोन उतना खास नहीं इसका बजट के हिसाब से, और इतना स्टेबिलिटी भी नहीं है, इतना स्टेबिलिटी भी नहीं है जो और भी ब्रांड का आता है जो प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल ब्रांड के अंदर आता है, लेकिन उतना में मुझे उतना प्रोफेशनल मुझे नहीं लगा, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी भी उतना हाई है नहीं, उतना उड़ाने के बाद ये इधर उधर होते रहते हैं, कभी भी किधर किधर चला जाता है, मुझे तो नहीं, मतलब मेरे से तो नहीं उड़ाया जाता इसको, मतलब इसको चलाने के लिए बहुत हैवी पायलट का ज़रूरत होता है, तो कहीं भी जाकर ये ठोक देता है। और इसका और एक बुरा बात है कि इसका ऑप्टिकल ऑपरेंस जो है वो बाहर की तरफ रहता है, ये